अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पीपल्स पार्टी का कानून बनाया और बीजेपी ने दिल्ली से जो करके यहाँ पर बिठाया समय वो मोहतरम आकर कहना शुरू हो गए कि पीपल्स पार्टी से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। अरे कहाँ का इंसाफ मिलेगा बताओ मुझे। पीपल्स पार्टी के कानून को नरेंद्र मोदी वजीर आजम ने बनाकर मुस्लिम महिलाओं से नाइंसाफी की, मुस्लिम महिलाओं को घर से बेघर कर दिया ऐसा कानून बनाकर। अरे कानून तुमने बनाया मुस्लिम बच्चों को जेल में डालने के लिए और मुस्लिम महिलाओं को बेघर करने के लिए, यह कानून के लिए बनाया। और कौन हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में भाई हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब ट्रिपल तलाक कानून तीन मरतबा लाया गया, आपने देखा, दुनिया ने देखा, कि मैंने दलाइल के साथ बताया कि ट्रिपल तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ। आप बताइए अगर किसी पर पुलिस ने केस कर दिया जाता है, पुलिस को उसको अरेस्ट कर देती है, उस महिला से क्या है, वो जेल में चला जाता है और कानून कहता है कि जेल में रहकर वो अपनी बीवी को अलाउंस देगा। और फिर अगर कोर्ट उसको सजा दे देती है 2 साल या 3 साल की सजा, तो कानून ये कहता है कि शादी नहीं टूटती। आखिर क्यों हमारी बहन उस शादी में रहे, उस उम्र भरे साथ रहे जिसने तलाक कह दिया, और 3 साल के बाद जब वो निकलेगा तो जेल के बाहर और खड़े रहेगी, कहेगी कि आओ बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। बताइए आप कौन सा कानून तुमने बनाया हिंदुस्तान के वजीर आजम, महिलाओं से इंसाफ की बात करा करके हिंदुस्तान के वजीर आजम बहुत बात करते कि मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करता हूं। बताओ क्या रघु बरदास ने तबरेज अंसारी की बेवा से मुलाकात की, क्या रघुबरदार ने अलीउद्दीन अंसारी की बेवा से मुलाकात की, क्या रघुबरदास ने अलीउद्दीन अंसारी को राशन की दुकान उसकी बेवा में देने का वादा किया था, क्या करना था। ये इनका सबका साथ सबका विकास है, ये इनकी मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूं। अब एक नया कानून हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं, नया कानून बनाने जा रहे हैं। 9 तारीख के दिन लोकसभा में यह कानून आ सकता है। और वो कानून क्या है, क्यों तमाम को हिंदुस्तान की सिटीजनशिप दी जाएगी, शहरियत दी जाएगी, जो मुसलमान नहीं है और जो मुसलमान है उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाती। ये कानून बनाने जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, ये हमारे दस्तूर की दफा है। मगर नरेंद्र मोदी इस तरह का कानून बनाने जा रहे हैं और क्या कहते हैं कि नहीं, ये रिफ्यूजी पनाजीज लोग आए थे पाकिस्तान अफगानिस्तान से बांग्लादेश से, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। इनका मकसद वो नहीं है, इनका मकसद ये है कि सिटीजनशिप करने के बाद पूरे मुल्क में एनआरसी लागू करेंगे और एनआरसी लागू करने के बाद हम आ जाएगा कि अब तुमको साबित करना पड़ेगा कि तुम हिंदुस्तान के शहरी शहरी हो जा रहे हो, सिटीजन हो जा रहे हो। आप बताइए सबको लाइन में खड़ा कर रहना पड़ेगा। आसाम में क्या हुआ, आसाम में 19 लाख लोग, आसाम में 19 लाख लोग आज हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है, जिसमें लाखों की तादाद हमारे हिंदू भाई की है, मुसलमान की है। मगर अगर पीर के दिन 9 तारीख के दिन जब यह कानून लोकसभा में अगर पास हो जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा, मेरा जो 540,000 के करीब हमारे हिंदू भाई है आसाम में, उनको हिंदुस्तान की सिटीजनशिप मिल
और जो शरीफ जानवर है शरीफ मुसलमान है वो अपने मुल्क में बेघर हो जाए। ये कानून बनाने जा रहे हैं, हमने आजादी की जंग में लड़ा था कि तुम इस तरह का कानून बना रहे हो कि जो मुसलमान नहीं है उसको सिटीजन करा रहे हैं, जो मुसलमान है उसको नहीं करा रहे। मेरा जरूर क्या हो रहा, मुझे बांग्लादेश से क्या करना है, मुझे पाकिस्तान से क्या करना है, मुझे अफगानिस्तान से क्या करना है, मुझे हिंदुस्तान से मतलब हमने सिविल को आजादी में इस्तेमाल किया, हमने सिविल को आजाद करवाया। और जब पाकिस्तान बना तो मेरे आपके बुजुर्गों ने कहा कि पाकिस्तान को नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान हमारी सब जमीन है, हम यहाँ पर रहेंगे। मगर आज बीजेपी की सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जो हिंदुस्तान की जमहूरियत का सियादिन होगा, काला कानून बनाने जा रहा है कि मजहब से नाम पर शहरियत दी जाएगी, मजहब से नाम पर शासन की जाएगी। अरे ये काम जो तुम करने जा रहे हो, काम तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर, बांग्लादेश बना इस्लाम के नाम पर, अफगानिस्तान एक इस्लामी मुल्क होगा। अब कितना इस्लाम उसमें है मुझे नहीं मालूम, मगर हिंदुस्तान तो मुसलमानों का इस्लामिक मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान तो हिंदुइज्म का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान तो बौद्ध मजहब का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान ईसाई मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान तो इन तमाम मजाहब को मानने वाला एक गुलदस्ता है जो सारे मजाहब को मानता, जो मजहब को नहीं मानता उसको भी मानता है हिंदुस्तान। मेरे इस तरह का काला कानून बीजेपी बनाने जा रही है, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह नसरुद्दीन ओवैसी को जितनी ताकत और जितनी ताकत दी, मैं पूरी कुव्वत के साथ इस कानून के खिलाफ तर्जी ऐलान पार्लियामेंट में करूंगा, मैं वोट भी निकाल कर इस कानून की मुखालिफत करूंगा, और जरूरत पड़े तो अदालत के दरवाजे को भी हम खटखटाएंगे। हम इस मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं रह सकते। एनआरसी बनेगा, एनआरसी में जब आम पर बोझ डाल दिया जाएगा कि तुम बताओ हमारी बाबा को तुम हिंदुस्तान की शरीयत हो या नहीं, तुम हिंदुस्तान का सिटीजन हो या नहीं, बोलेंगे चुना डॉक्यूमेंट लेकर आओ, बताओ कि तुम्हारे पास किसों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। और जब जब किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं निकलेगा तो उससे कहा जाएगा कि तुम हिंदुस्तानी नहीं है, क्या होगा उस दिन हमारा हाथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तुमको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम सच्चाई बयान करते हैं तो इसीलिए मुझ पर गालियां पड़ती हैं, मुझ पर इल्जाम लगाए जाते हैं। ये मंसूबा है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल बनाएंगे, उसके बाद एनआरसी लाएंगे, और एनआरसी लाने के बाद कई मुसलमानों को केस कर दिया जाएगा। हाँ, जो गैर मुस्लिम रहेंगे उनसे कहा जाएगा कि तुम तो फिक्र करिए, तुम क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो तुम तो इंडिया का सिटीजन करार दे दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात है, ऐसे हालात में मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप मुत्तहिद रहिए, अपनी ओर का सही इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। कल तक आपके पास कोई मुतबादल नहीं था, आज मुतबादल मिलने से इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके पास है। मैं नौजवानों तुमको कह रहा हूं कि तुम्हारा मुस्तकबिल है, ये तुमको फैसला करना है। मैं अपनी माओ बहनों से कह रहा हूं कि आपको अपने नौ बच्चों की सरपरस्ती करना चाहिए। मैं बुजुर्गों से कह रहा हूँ कि याद रखिए, अभी कांग्रेस पार्टी में दम दम नहीं है कि बीजेपी से मुकाबला कर सके। मैं